लिए शुरुआत करते हैं आपकी कुछ खास खबरों से। हमीरपुर से होकर गुजरने वाली दो नदियां यमुना और बेतवा कोहराम मचाना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त है। वहीं बाढ़ से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी कमर कस ली है। हम आपको बता दें कि जनपद हमीरपुर के दोनों ओर बहने वाली नदियां यमुना और बेतवा इस समय दोनों नदियां उफान पर हैं। यहां यमुना नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है, तो वहीं बेतवा भी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। यमुना नदी में पानी ज़्यादा होने की वजह से उसका पानी बेतवा में मिल रहा है, जिसकी वजह से बेतवा का पानी स्थिर हो गया है, इसलिए चारों तरफ फैलना शुरू कर दिया है। और अब यह पानी फैलते फैलते कुंडोरा तक पहुंच गया। प्रशासन के अनुसार अभी यमुना का जल स्तर और बढ़ना है, इसीलिए बेतवा का भी जल स्तर बढ़ेगा। और बेतवा भी खतरे के निशान को पार कर चुकी है, तो वहीं बेतवा के बढ़े हुए पानी ने बस्ती की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है। वहीं मुख्यालय के कुछ इलाके जलमग्न भी हो चुके हैं, साथ ही लोगों के घरों में पानी घुस गया है। लोग अपना सामान लेकर सड़कों पर रहने को मजबूर हैं और सारा पानी रास्तों को काटता हुआ आगे बढ़ रहा है, जिसकी तस्वीर आपके सामने है, जो सिटी फॉरेस्ट के पास की है। फिलहाल किसी भी हालात से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट है, लेकिन घर से बेघर हुए लोगों ने बताया कि अभी तक उनको किसी भी प्रकार की सहायता राशि प्रदान नहीं की गई। चौकियां लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। गाँव की स्थिति अभी सामान्य है। चंबल नदी में पानी ज़्यादा बढ़ने के कारण यमुना खतरे के निशान के पास है, और लेकिन बेतवा भी खतरे के निशान से नीचे है। बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। बाढ़ चौकी पे जो भी कर्मचारी अधिकारी तैनात हैं, पुलिसकर्मी तैनात हैं, सबको जो है सचेत कर दिया गया है, जागरूक कर दिया गया है कि सब लोग सतर्क रहें, और आसपास के जो भी इसकी परिधि में आने वाले गाँववासी हैं उनके साथ निरंतर संपर्क बनाए रखें, और किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति आती है कि पानी बढ़ता है तब उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए प्रेरित किया जाए। राहत पैकेज कुछ बनाया गया सर इसके लिए? हाँ बिल्कुल, जो है जैसे ही बाढ़ बढ़ती है तो लोगों को रहने के लिए जो है उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाएगा। उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई है, और जो पैकेट है, राहत पैकेट जो बना हुआ है खाद्यान्न का, उसका भी टेंडर हो चुका है, और दवाइयों से लेकर के सारी चीज़ों की व्यवस्था हो चुकी है, और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने पाएगी। सरकार पूरा तत्पर है कि जो भी अगर बाढ़ पीड़ित होता है तो उसको समय से राहत प्रदान किया जाएगा। सर ये पीछे कुछ गांव वालों ने बताया कि अलर्ट नहीं हुआ है, हमको बताया नहीं गया है, तो कुछ इसकी व्यवस्था कराइए सर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अब हर जगह अलर्ट कराया गया है, और अभी भी सब लोग लगातार भ्रमण पर हैं। SDM सदर भी भ्रमण पर हैं, सभी नायब तहसीलदार लेखपाल से लेकर सब लोग जो है भ्रमण पर हैं। अभी यद्यपि यहाँ बाढ़ की कोई ऐसी स्थिति आई नहीं है, और ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि बाढ़ की संभावना कम ही लग रही है, लेकिन यमुना में बाढ़ की स्थिति आ सकती है, बेतवा में बाढ़ की स्थिति अभी कम है।